नमस्कार दोस्तों, कल तालिबान ने भारत के बारे में कहा कि हमारा भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। तालिबान का यह बयान पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। असल में तालिबान को यह स्पष्टीकरण कल देना पड़ा जब दो दिन पहले तालिबान ने एक प्रेस नोट में भारत के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि भारत अफगानिस्तान में हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाता आया है। पिछले 40 सालों में भारत ने हमेशा वहां पर गद्दारों का ही सपोर्ट किया है। हालांकि इस नोट में कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि तालिबान अब भारत के ऊपर हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर इंटरनेट पर और मीडिया में यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि ईद के बाद तालिबान हिंदुस्तान के खिलाफ गजवा हिंद शुरू करेगा। देखिए ज़रा कि अफगान तालिबान ने गज़वा हिंद का ऐलान कर दिया है। अब वो अफगानिस्तान के महाज पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं। अब जब ये बात वायरल हुई तो बहुत से पाक मीडिया के एंकर भी आए और पाकिस्तानियों को बोलने लगे कि बेवकूफों, यह क्या कर रहे हो। कि हमारे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे और दीगर मीडिया की जगहों पे ये बगलें बजाना शुरू कर दी और ढोल ताशे बजाना शुरू कर दिए और मुबारकबादें देना शुरू कर दी और लोगों को कहा कि बड़ा खुशी का मौका आ गया कि तालिबान ने भारत के ऊपर हमले का ऐलान कर दिया है। और ये छोटी ईद के बाद, रमज़ान मुबारक के बाद वो भारत के ऊपर हमला कर देंगे और गज़वाए हिंद का ऐलान कर दिया गया है। और उधर मोदी की नींदें उड़ गई हैं, अजीत दवल की और भारतीय फ़ौज की नींदें उड़ गई हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये इस किस्म की खबर एक फैलाई गई है। अब ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का दौर है। कई मरतबा पाकिस्तान की आर्मी ने समझाया, कई मरतबा जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने समझाया कि आप बिला वजह किसी चीज़ के पीछे मत भागा करें, उस चीज़ का बैकग्राउंड देखा करें, उसको समझने की कोशिश किया करें कि आप कह क्या रहे हैं और उसका फ़ायदा किसको हो रहा है। क्या इसका फ़ायदा तालिबान को हो रहा है, क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है, या इसका फ़ायदा भारत और अमेरिका को हो रहा है। दोस्तों, तालिबान का भारत के बारे में स्पष्टीकरण देकर यह बोलना कि वह भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया में भारत के महत्व को बताता है। पिछले कई समय से तालिबान ने भारत के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो। और तो और, जब पिछले साल भारत ने 370 धारा हटाई थी तब भी तालिबान ने उसे भारत का आंतरिक मामला ही बताया था। पाकिस्तान तो चाहता है कि तालिबान भारत के खिलाफ बयान दे, पर ऐसा हुआ नहीं। इस वीडियो में यह पाकिस्तानी एंकर एक पश्तून पत्रकार से तालिबान के हाल ही में दिए बयान के ऊपर भारत के खिलाफ बयान निकलवाने की कोशिश करता है कि तालिबान भारत के खिलाफ हैं, पर पत्रकार ऐसी कोई बयान नहीं देता। देखिए यह वीडियो। ये कि फिर अगर ये बात है, अगर है, क्योंकि बेसिकली जो बेसिक प्लान तो ये था ना कि पाकिस्तान को सैंडविच किया जाए मगरिब से और मशरिक से, तो तालिबान इस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं इंडिया के साथ में, अगर बातचीत हो जाए, शुरू हो जाए और साहब 3 अरब बिलियन उनके फंसे हुए हैं, तो ये क्या मसला है। जिसने तालिबान तो वो लोग हैं ना कि जो लोग उनके साथ में जुल्म करते आए हों, उनको उनसे तो बदला तो लेते हैं ना वो। नहीं, ये तो बिल्कुल ही मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता कि तालिबान भारत या अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाएंगे या चीन के खिलाफ महाज बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तालिबान भी जाहिर ये चाहेंगे कि ये भारत का मंत्री रोल खत्म हो जाए, मस्बत रोल सामने आए। हाँ, तो फिर उसके जवाब में उसके नहीं, ने पहले कई बार कहा तो फिर अगर मस्बत रोल, उसका कोई रोल नहीं है। नहीं, स्पॉइलर का रोल अगर खत्म होगा तो उसका नहीं, फिर वो कुछ मांगे हुए थे ना उसके जवाब में, वो ये कहेंगे कि साहब इसके बदले में हमें क्या दोगे आप। नहीं, मेरे ख्याल में वही बात होगी जिस तरह अमेरिका ने तालिबान से मुआहदा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस तरह की कोई जमानत की बात होगी। वो तालिबान देखेंगे कि क्या वो जमानत देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में भारत ये चाहेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, यही बात। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ मजालिम हो रहे हैं, तो जो मुजाहिदीन हैं वो अब अपने आप को महदूद कर लेंगे अफगानिस्तान तक और वो इंडिया तक नहीं जाएंगे।
देखें इंडिया वो पहले भी नहीं गए जो अफगान मुजाहिदीन हैं, और अंदर भी मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे, वो तो उनकी जो सोच है वो अफगानिस्तान तक महदूद है, और वो कई बार कह चुके हैं वो अलकायदा दाइश की तरह नहीं है कि उनकी कोई आलमी एक कोई उनकी एम्बिशन है, कोई ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल में भारत तो वैसे भी उनका हमसाया भी नहीं है अफगानिस्तान का, और वो सिर्फ ये है कि तालिबान पाकिस्तान का साथ देंगे भारत के हवाले। अच्छा, ये फिर तो उनके जो कौंसल खाने वो तो बंद कर देंगे ना। देखिए सफाती ताल्लुकात जो है वो तो डिपेंड करेंगे, अगर भारत का रवैया मनफी रहा, तालिबान का अगर इख्तियार हुआ तो वो उसको बंद कर देंगे। अगर भारत का रवैया चेंज हो गया या तालिबान एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बने जिसमें और लोग भी हैं जो भारत के करीब हैं, तो फिर जरा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे ख्याल अच्छा मुझे बताइए कि जो मुल्क इंडिया के लोग इतने बदजबान हो गए हैं और इतने खुले डले हो गए, जो ये लफ्ज़ भी कह रहे हैं अमेरिका ने सऊदी अरब में बैठकर, दुबई में बैठकर, कतर में बैठकर कि हम खाना काबा के अंदर बुत रखेंगे, वो अब किस तरह से तालिबान के साथ में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए ये तो अभी देखना पड़ेगा ना कि ये क्या भारत की हुकूमत की पॉलिसी है या आम लोगों की राय है, और फिर ये है कि नहीं तो अब इसमें कुछ शुबा रह गया है कि वो तो हिंदुत्व का निज़ाम बनाना चाहते हैं सारी दुनिया के अंदर, नया कहते हैं कि आलमी निज़ाम बनाएंगे हिंदुत्व के तहत। जी जी बिल्कुल, वो ठीक है, वो उनकी एक ख्वाहिश होगी, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं है ना, आपको पता है मुझे भी पता है इसका तो कोई इम्कान नहीं है। जो तालिबान ने प्रेस रिलीज जारी किया गया था वह ये बात की ओर इंगित करता है कि भाई भारत जो है वो हमेशा से जो अशरफ गनी है या फिर जो भी वहाँ पे हामिद करजई की भी सरकार बनी थी, जो भी वहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार होती है भारत हमेशा से उसी को सपोर्ट करता आया है। जब तालिबान के जब वहाँ पे वॉर चल रही थी तब भी भारत नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था, जो इतने रेडिकल नहीं थे जितने ये तालिबान है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि तालिबान भी यह बात अच्छे से जानता है कि बिना भारत के साउथ एशिया में गुजारा करना अब नामुमकिन है, क्योंकि भारत अब एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बन चुका है। यही कारण है कि तालिबान ने जब यह बात वायरल होने लगी पाकिस्तान में कि अब बस भारत पे हमला करने वाला है तालिबान और गजवा हिंद की शुरुआत होने लगी है, तो तालिबान को भारत के ऊपर स्पष्टीकरण देना पड़ा और बोलना पड़ा उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट से कि हमारे नाम से कई फेक ट्विटर बने हुए, जो हमारे प्रवक्ता है जिनका नाम है सुहेल शाहीन, उसके नाम से कई फेक अकाउंट बने हुए हैं जो इस बात को फैला रहे हैं कि भारत के ऊपर तालिबान हमला करेगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और हमारा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है कि हम भारत के अंदरूनी मामले में दखल दें। तो दोस्तों ये दिखाता है कि तालिबान भी भारत के बारे में क्या सोचता है, मतलब तालिबान को ही पता है कि अब भारत से पंगा लेके कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि तालिबान ने पिछले कई समय से कई सालों से भारत के विरोध में कोई ऐसी बात भी नहीं कही है उन्होंने, जिससे ऐसा लगे कि भाई वो भारत में भी जिहाद करना चाहते हैं क्योंकि वो फैलाना चाहते हैं। और तो और तालिबान ने बीच में ऐसा भी कहा था कि भारत चाहे तो हमें सपोर्ट करे, और अगर वहाँ ये भारत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा वो करते रहना चाहता तो कर सकता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि तालिबान भी इस चीज़ को जानता है कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। जब ये 1996 में आए थे तालिबान, उस वक्त दुनिया अलग थी, भारत इतना ताकतवर देश भी नहीं था 1996 में, और उस वक्त जो अरबों की जो देश थे वो काफ़ी ताकतवर थे उस वक्त अरब। और उस वक्त आपको पता होगा जब ये आए थे तो एक तो पाकिस्तान था और एक ये सऊदी अरब, दूसरे अरबी देश थे जो तालिबान को सपोर्ट करते थे, उनकी हुकूमत को, तालिबान की जो हुकूमत थी, जो सरकार थी, उसको वैध सरकार मानते थे। लेकिन अब दुनिया इन 25-30 सालों में काफ़ी बदल चुकी है, अब भारत एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर के रूप में सामने आ चुका है, और तालिबान को भी यह पता है कि अगर हमें यहाँ पर रहना है तो भारत से अगर हम पंगा लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट हम पे ही पड़ेगा आगे जाके। यही कारण है कि तालिबान भारत के ख़िलाफ़ ना तो कोई अब बयान देता है, ना ही उसका फ्यूचर में कोई ऐसा इरादा होगा।